हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने जा रहे हैं सर्किट स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन का सेकंड लेसन। स्टूडेंट, फर्स्ट लेसन के बारे में बता दूं, फर्स्ट लेसन बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। मैं कहूँ तो एक दिन एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा इसके लिए, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे को। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो एक दिन मैं इसके लिए क्लास अलग से लगा दूँगा। नोट्स मेरे पास इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सेकंड लेसन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पेपर की दृष्टि से बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है ये। जैसे भी अवेलेबिलिटी हुई, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं आ रही हैं, तो उसमें जहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, तो इसमें बेटा इस सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस सेकंड चैप्टर है जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो 2.1 टॉपिक है आइसोलेटर, उसके रिगार्डिंग कोई डाटा अभी ज़्यादा नहीं मिला है। तो 2.2 के आगे के सारे डाटा हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी करा रहा हूँ। एक बार इसे फिर से ये टॉपिक्स हैं ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बच्चों, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो इसके रिगार्डिंग, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप बकायदा कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी के ऊपर टॉपिक ला दीजिए कि ये 2 नंबर चैप्टर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, कितना भी है ना, तो उसको वैसे वैसे जैसा आपको समझ आ रहा है अपने हिसाब से वैसे उसको नोट करिए। साथ साथ नोट करेंगे तो आपके एक मतलब मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो ये सिलेबस है आपका, सिलेबस आपके पास डाउनलोडेड है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये वाले टॉपिक आज करने जा रहे हैं। 2.2 से लेकर के 2.9 तक हम करेंगे, तो आज देख लेते हैं कितने हो सकते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ओके, सबसे पहला जो चैप्टर था, टॉपिक था हमारा चैप्टर 2 का, दैट इज़ HRC फ्यूज। तो HRC का फुल फॉर्म सबको पता होगा, सब ITI करे हुए बच्चे हैं। HRC का फुल फॉर्म देखो होता है बच्चों, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। H फॉर हाई, R फॉर रैप्चरिंग, C फॉर कैपेसिटी। देखो बच्चा, इसके नाम में ही इसका मीनिंग, इसका जो वर्किंग है वो लिखा हुआ है। अगर अपने इसको नाम को अच्छे से समझ लें, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है उच्च टूटने की क्षमता, यानी हाई इंटरप्टिंग पावर, मतलब टूटने की क्षमता बहुत फास्ट है, अच्छी है। टूटना मतलब फ्यूज़ का मतलब भी टूटना होता है। फ्यूज़ का मतलब है कि जब तक वो लगा हुआ है, करंट जा रही है, नॉर्मल करंट जा रही है। जैसे ही एबनॉर्मल करंट आई, एबनॉर्मल जैसे मान लो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, बच्चों नॉर्मल स्थिति में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 होता है, 98.6 होता है, 7 होता है, इतना होता है। लेकिन जैसे हमें बुखार आता है या कोई भी ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन आती है बॉडी के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार आता है तो टेम्परेचर हो जाता है जी 102 हो गया जी, बुखार 104 हो गया जी, 100 हो गया जी, ना ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जब भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है करंट की, तब फ्यूज को ब्रेक होना है, टूटना है, इंटरप्ट होना है। तो उसकी जो कैपेसिटी है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, बेटा ये डायग्राम बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है हाई HRC फ्यूज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये HRC फ्यूज। छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो डायग्राम तो 100% बनाना ही हमें। डायग्राम मैं स्क्रीन पे लगाया हुआ है, इसको ऐसे ही बना लेना, स्क्रीन चाहे तो पॉज करके बना लेना। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये बहुत हाई तरीके से, फास्ट तरीके से रैप्चरिंग होता है, इंटरप्ट होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। और इसके बनावट के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, दिख रहा है कि एंड है जो ब्रास के हैं दोनों साइड, बीच में फिलिंग एंड पाउडर है, फिलर पाउडर है, और इसका फ्यूज एलिमेंट है ये जो ब्लैक दिखाई दे रही है डंडी सी, और सिरेमिक बॉडी है इसकी, और दोनों साइड कॉन्टैक्ट ब्लेड हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इसके बारे में थोड़ा दो लाइनें और लिखने की कोशिश करें, तो इसके हम ये लिख सकते हैं कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजों में ब्रेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ऊंची होती है। देखो वही जो उसकी नाम है उसी को इसने लाइन में बना के लिख दिया।
एचआरसी फ्यूजन में ब्रेकिंग कैपेसिटी, ओके एचआरसी आर फॉर रैप्चरिंग, रैप्चरिंग का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग, कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो वही हो गया एचआरसी फ्यूजन में ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत ऊंची होती है, ऊंची मतलब हाई, तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी एचआरसी का यही लाइन में बना के लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें एक सेरेमिक बॉडी होती है, ये जो हमने डायग्राम बनाया उसमें देखा, इसमें किनारों पे धातु के ब्लेड होते हैं दिख रहे हैं, इनके कैपों में से करंट को ले जाने के लिए सिल्वर की ब्लेड्स, ठीक है, फ्यूज बॉडी में फ्यूज एलिमेंट्स होता है, फिलर पाउडर होता है, तो ये सब चीज़ें फिलर पाउडर से मतलब क्वार्ट्ज होता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया कि फिलर पाउडर कौन सा होता है, क्वार्ट्ज होता है भैया, क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके आ गया उसका संरचना के बारे में। उसके बाद में ठीक है, ये मैंने पॉज करा हुआ है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक विद्युतीय रूप से पहले सिल्वर वेपर तथा फिलिंग पाउडर के बीच में रासायनिक क्रिया से उच्च प्रतिरोध फ्यूज में उत्पन्न होता है, यानी फ्यूज में हाई रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, और जिससे करंट है जो धारा के कट जाने पर उच्च प्रतिरोध इंसुलेटर में बदल जाता है, यानी हाई रेजिस्टेंस है वो एज ए इंसुलेटर बन जाता है, करंट ब्रेक होने के समय ऊर्जा में एकदम बदलाव से फ्यूज में ट्रांजिएंट वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज एकदम से ट्रांजिएंट मिलता है उसको, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप देखेंगे कि मतलब उसके अंदर जो आर्क उत्पन्न हो रही है उसके समय को कम करने के लिए आर्क न्यूनतम समय में बंद होनी चाहिए, इसके लिए हम वहाँ पे पाउडर वगैरह भरते हैं, पाउडर की फिलिंग वगैरह इसीलिए करते हैं ताकि वो आर्क है वो जल्दी ख़त्म हो सके। ओके, ये दो एक दो लाइनें इसमें पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लेना, उस समझ भी आ जाएगा, और बाकायदा इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके होम टाउन के अंदर ही, वहाँ पे मैंने फोटोकॉपी की शॉप पे इसको दे रखा है। एक एचआरसी फ्यूज के ये अपने पास बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं। सबसे पहला है कि शॉर्ट सर्किट के उच्च मान को क्लियर करता है, दूसरा है यानी शॉर्ट सर्किट होता है बेटा जब करंट हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसका क्षय नहीं होता, यानी इसका जो इसके अंदर जो कमी आती है वो चीज़ नहीं मिलती है। जैसे हम फ्यूज होता है, जैसे हम नॉर्मली वायर लगा देते हैं तो पहले वो अच्छी कैपेसिटी रहती है उसकी, साल दो साल बाद वो उसकी क्षय हो जाता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही उड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी गति उच्च होती है, परफॉर्मेंस लगातार बनी रहती है, यानी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है, परफॉर्मेंस पहले दिन और 100वें दिन वैसी बनी रहती है, और भेद विश्वसनीय तरीके से करता है, यानी ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेद करता है, ये अभी जैसे ही करंट एबनॉर्मल आई 10 बोला इसको भी 10 पे भी प्रोटेन है तो 11 आते ही ये भाई साहब ऑपरेट हो जाते हैं, विश्वसनीयता बहुत अच्छी रहती है। इसमें इन्वर्स टाइम करंट अभिलक्षण होता है, इन्वर्स टाइम मतलब जल्दी ऑपरेट होने का काम, ठीक है, इन्वर्स टाइम मतलब करंट बहुत ज़्यादा आया तो जल्दी ऑपरेट हो जाएगा, बहुत थोड़ा कम करंट आया तो थोड़ा सा लेट ऑपरेट हो जाएगा, तो मतलब इन्वर्स टाइम का मतलब वही होता है कि करंट जितनी ज़्यादा आएगी, करंट यानी फॉल्ट करंट जितनी ज़्यादा आएगी उतना जल्दी ऑपरेट होना, उसको बोलते हैं इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। समान ब्रेकिंग क्षमता के अन्य सर्किट अवरोधों की तुलना में कम खर्चीला होता है, यानी ये इसका खर्चा कभी कम होता है, जैसी इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इसका खर्चा कम होता है। कुछ एक इसकी सीमाएं हैं, एक बार ऑपरेट होने के बाद में बदलना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो बनावट है वहाँ पे हम इसकी जो फिलामेंट है वहाँ पर हम उसको नहीं लगा सकते, फिलामेंट को वापस से काम नहीं करवा सकते, उससे वापस से उसके अंदर तार नहीं घुसा सकते, तो कहने का मतलब एक बार इसके ख़राब हो गया मतलब काम में ले लिया तो उसके बाद में चेंज ही करना पड़ता है, दूसरा नया लगाना पड़ता है। और दूसरा, इसमें हाई टेम्परेचर पैदा हो सकते हैं जो इसके साथ स्थित स्विच आदि को प्रभावित कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई हो सकता है जिससे आसपास के स्विच वगैरह ख़राब हो सकते हैं। फिर इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, तो नॉर्मली बच्चों जो ट्रांसफार्मर का LT साइड होता है, आप उसको सेकेंडरी बोलो या कैसे बोलो वो एक अलग बात है,
ट्रांसफार्मर का जो एलटी साइड होता है दैट इज़ हमारी बॉडी, जो हमारी घरों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। बट देखो जो एलटी साइड होता है वहाँ पे फोर लाइन होती है, यानी तीन फेज और एक न्यूट्रल होता है, और जबकि जो एचटी साइड होता है वहाँ पे तीन न्यूट्रल ही आते हैं। तो कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेल्टा टू स्टार होते हैं, है ना। तो डेल्टा टू स्टार, तो यानी कुल मिला के जो स्टार साइड है, एलटी साइड है जो हमारे ट्रांसफार्मर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे घरों में सप्लाई के लिए, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूजों का उपयोग ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट वाली स्थिति के लिए वोल्टेज वितरण सिस्टमों में, वोल्टेज वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ट्रांसफार्मर की एलटी साइड करेंगे भैया इसका प्रयोग, ठीक है। उसके अलावा एक दो प्रयोग और हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। एचआरसी फ्यूज लोड्स रोटर वे धाराओं के शॉर्ट सर्किट के लिए, मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मोटरों की सुरक्षा के लिए भी एचआरसी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। वहाँ की जनरेटिंग जो प्लांट्स हैं, जनरेटिंग प्लांट्स के जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप होल्ड करके नोट कर लेना चाहे तो। उसके बाद में ये आ जाता है, कम्प्लीट हो जाता है हमारा एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका बेटा डायग्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इसका ये वाला एचआरसी फ्यूज। जब भी आज आपको आए, मान लो तीन चार नंबर का आए, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत ही सुंदर सुंदर बनाना है, बढ़िया तरीके से इसके जो नाम हैं वो लिखने हैं। चाहे आप हिंदी में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने हैं ज़रूरी, ठीक है। तो उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बढ़िया डायग्राम, एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है उसका। उसके बारे में दो लाइनें बहुत लिखना ज़रूरी है कि एचआरसी फ्यूज है हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज है। एचआरसी का फुल फॉर्म ही ये, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। और फिर इसके बारे में जो बॉडी के अंदर है, क्या क्या लगा है, सिरेमिक लगा है, किनारों पे धातु लगी हुई है जी, अंदर ये फला फला, है ना, जो जो चीज़ें आपने उसमें देखी, तो फिलर पाउडर क्वार्टर्स है ये, है ना। तो ये चीज़ें लिख करके उसके बाद में आप आओ कि भैया ये कैसे काम करता है, जिसके अंदर जैसे आर्क बनती है तो आर्क को बुझाने के लिए फिलर पाउडर है जी, ये है वो, है ना। तो ये चीज़ें दो चार लाइनों में लिख करके, ठीक है, उसके बाद में आओ आप इसके उपयोग वगैरह क्या हैं, लाभ क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, तो इसके अंदर दो दो चार चार लाइनें ये लिख दो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में लिखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो एलटी साइड है उसके अंदर यूज़ करा जाता है, हाई एमवीए की रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो उसकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, सर्किट ब्रेकरों की शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में हमारी जो मोटर होती है, वो मोटर के ओवरलोड वोल्टेज, ओवरलोड करंट वगैरह की शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दो तीन चीज़ें ये दिखनी जरूरी हैं। तो ये आपका तीन चार नंबर का ये कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ। और एचआरसी का फुल फॉर्म लिख दोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अंदर वो एचआरसी का फुल फॉर्म हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है जी। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है आर्क फिनोमेना, सॉरी अगला टॉपिक है हमारा आर्क फिनोमेना। आर्क फिनोमेना का मतलब है, आर्क होता है क्या बच्चों, जब भी शॉर्ट सर्किट आता है दो कंटेक्ट के बीच में आग बल, आग जलती है, मतलब एक फायर आती है, एक कह सकते हैं कि एक फ्लैश आती है, और उसी को हम आर्क बोलते हैं। पावर सिस्टम में कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर ये जो संबंधित सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं खुलने से पहले, उनमें होकर भारी मात्रा में करंट जाती है, मतलब शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट हाई होती है, हाई करंट जाती है। कॉन्टैक्ट्स के अलग होने के क्षण, मतलब जब कॉन्टैक्ट अलग होते हैं, कॉन्टैक्ट जैसे मान लो दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से टच हुए हुए हैं, दो रॉड हैं, तो जैसे वो दो रॉड, एक रॉड तो फिक्स रहती है, चल नहीं सकती, दूसरी चलेगी, जैसे वो एक चलना शुरू करती है तो दोनों के बीच में गैप आना शुरू होता है, और जैसे गैप आता है तो एक फ्लो, उस दोनों का करंट तो वैसे जाना ही चाहती है ना उसी स्थिति में, और हाई वोल्टेज है वहाँ पे, तो वो करंट वहाँ पे जाना ही चाहती है, इसलिए वहाँ पे फ्लैश उत्पन्न होती है। उस क्षण कॉन्टैक्ट क्षेत्र में तेज़ी से कम क्षेत्र है जो तेज़ी से कम होना शुरू होता है, और बढ़ती हुई धारा से घनत्व जो डेंसिटी है वो बढ़ना शुरू होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पे, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और वहाँ पे एक फायर जैसा, मतलब फायर आ जाती है ना, उसी को बोलते हैं बेटा आर्क, ठीक है, आर्क फिनोमेना। इसको और आप पढ़ लेंगे, ये आर्क फिनोमेना है सारा ही,
तापमान बढ़ने से उपस्थित हवा के कण और अब सब चीज़ें आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, अणु सभी दिशाओं में तेजी से गति करते हैं और इस दौरान रास्ते में आने वाले कणों से टकराते हैं और तापमान 3000 केल्विन तक बढ़ने पर अणु सरल अणुओं और परमाणुओं से तब्दील हो जाते हैं और तापक्रम के बढ़ने और इलेक्ट्रॉन्स को परमाणु से बांधने, मतलब कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा गर्म होकर के परमाणु बन जाते हैं और फिर वो एज ए फायर का काम करना शुरू कर देते हैं। तापमान और बढ़ने से आयनाइज्ड बढ़ जाता है और प्लाज्मा की स्थिति पैदा हो जाती है। प्लाज्मा में आवेशित कण होते हैं और मतलब अब आपसे पूछे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में आवेशित कण होते हैं यानी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, विद्युत धारा के लिए एक चालक का काम करते हैं यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का काम वो करते हैं, प्लाज्मा काम करता है और यह सर्किट ब्रेकर के खुलने पर आर के स्थापित होता है। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में पोटेंशियल का मान कम होता है, यह केवल उतना ही होता है जितना आर को स्थापित करने के लिए ज़रूरी होता है। तो हालांकि जैसे बेटा करंट हाई हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में करंट हाई हो जाता है, वैसे ही वोल्टेज यानी पोटेंशियल कम हो जाता है। ये बोल रहे हैं ना कि दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में पोटेंशियल कम होता है, कम तो होता है बट इतना कम नहीं होता कि वो पोटेंशियल से मतलब करंट अपने आप ही बुझ जाए, इतना पोटेंशियल रहता है कि वो करंट को फ्लो करवा पाए। ठीक है जी, तो इसी को बोलते हैं बेटा आर्क फिनोमेनन। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क बनने के लिए जरूरी आयनाइज्ड निम्न कारणों के कारण होते हैं। जो आयनाइजेशन होता है वो किन के कारणों के होता है, सबसे पहला कारण तापमान का बढ़ना। तो आप ये जो डार्क टॉपिक हैं इनको ही नोट कर लेना, चाहे अंदर के टॉपिक्स में आपकी मर्जी है कुछ लिखना है तो आप है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं जो डार्क, ये याद कर लेना, बाद में अंदर वाले टॉपिक्स में आप अपनी समझ से कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले थर्मल आयनाइजेशन, तो थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन होता है। टक्कर के कारण आयनाइजेशन, टक्कर मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पे अणुओं में गति बढ़ी, जब गति बढ़ी एक दूसरे से टकराए, टक्कर टक्कर टक्कर, तो टक्करों से क्या हुआ, आयनाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ। जैसे दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों चीज़ों के अंदर आयनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, वैसे ही वो टकराएंगे एक दूसरे से तो उनके अंदर आयनाइजेशन होना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की सतह से थर्मल उत्सर्जन द्वारा, यानी जहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं दोनों उनकी जो सतह है वहाँ की सतह से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वहाँ से उस गर्मी से भी आयनाइजेशन होता है। कॉन्टैक्ट से जो वहाँ पे गर्मी वो गर्म हो चुके हैं तो वहाँ से जो आयनाइजेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉन्टैक्ट सतह से सेकेंडरी यानी द्वितीय उत्सर्जन द्वारा कॉन्टैक्ट्स के बीच में ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टैक्ट्स के बीच में घूमने रोटेट करना और दूसरे कॉन्टैक्ट्स की सतह पर स्ट्राइक करना, मतलब टकराना, जिससे द्वितीय सेकेंडरी इमर्जन पैदा होता है। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट सतह पर फील्ड उत्सर्जन द्वारा, कॉन्टैक्ट सतह जो है वहाँ पर फील्ड बन जाता है और उस फील्ड का जो वोल्टेज पर वोल्ट पर सेंटीमीटर के बढ़ने पर वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कुल मिला के आर्क अगर हम बात करें तो आर्क यही है टेम्परेचर बढ़ना सबसे बड़ी बात। ठीक है, और वो टेम्परेचर किस कारण से बढ़ रहा है, चाहे वो थर्मल आयनाइजेशन से बढ़ रहा है या टक्कर के कारण से बढ़ रहा है या कॉन्टैक्ट्स के सतह से उत्सर्जन के कारण बढ़ रहा है या सेकेंडरी उत्सर्जन के कारण बढ़ रहा है या वहाँ पे बन रही फील्ड के कारण। तो केवल ये डार्क टॉपिक्स याद कर लेना बेटा, अंदर के टॉपिक्स में आप अपनी समझ से लिखना, अब वही जो टॉपिक में लिखा है वो आपको याद नहीं रहेंगे, है ना। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आएगा आर्क फिनोमेना, ये एक आधे नंबर का आता है, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं जो ये इसकी बेसिक्स है यही, और इसके अलावा ये जो डार्क टॉपिक्स हैं इनके अंदर दो तार याद रहे जो भी आपके वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्क फिनोमेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आता। फिर आ जाता है आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क को बुझाना, यानी अब आर्क तो बन गई है, आर्क तो बननी है पक्की बात है, जब भी कॉन्टैक्ट दूर होंगे तो आर्क तो वहाँ पे बननी है, बनानी नहीं है हमें, अपने आप ही बनेगी, लेकिन हमें बुझानी पड़ेगी किसी हिसाब से, कोई एक टेक्निक लगाएं ताकि वो आर्क बुझ जाए जल्दी, ऐसे जलती नहीं रहे, क्योंकि जलेगी तो कॉन्टैक्ट्स और गर्म हो जाएंगे और गर्म हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे सर्किट ब्रेकर को डैमेज कर दें।
ठीक है, और सर्किट ब्रेकर डैमेज होगा तो उसके आसपास लगे दूसरे इक्विपमेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमें आर्क को बुझाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी बुझाना भी ज़रूरी है, हमें बहुत मतलब सेफ्टी तरीके से उसको बुझाना ज़रूरी है। तो वो कैसे बुझाई जा सकती है आर्क? तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट्स के बीच में उत्पन्न विभव अंतर, कॉन्टैक्ट्स के बीच में उत्पन्न विभव अंतर से भी आर्क को बुझाया जा सकता है। कि हम वो उस विभव अंतर को कैसे कम करें, जैसे विभव अंतर कम होगा, विभवांतर यानी पोटेंशियल कम होगा, तो आर्क बुझाना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे उन दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, आर्क कॉन्टैक्ट के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, विभवांतर कम होता जाएगा ना। तो ये आप पूरा ही लिख लेना, बढ़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बोल देता हूँ कि जब कॉन्टैक्ट्स के बीच में दूरी कम होती है तो उनके बीच विभवांतर आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभवांतर आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यानी कहने का मतलब जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो आर्क के अंदर विभवांतर कम होगा और आर्क बुझना स्टार्ट हो जाएगी। आर्क बढ़ने पर उसकी लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, आर्क जैसे जैसे बड़ी होती जाती है प्रतिरोध बढ़ा होता जाता है, और उसमें जिससे आर्क के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अतः इस स्थिति में आर्क के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस विभवांतर से ज़्यादा होता है। लेकिन जब आर्क को बुझाने में यह तकनीक काम में लेते हैं तो हाई वोल्टेज यानी उच्च वोल्टेजों वाले सिस्टम में कई मीटर कॉन्टैक्ट्स को दूर करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के इस स्थिति में हमने कॉन्टैक्ट्स को काफ़ी दूर करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टैक्ट्स को काफ़ी दूर करना है काफ़ी पॉसिबल नहीं होता, ये टेक्निक बढ़िया है बट इस टेक्निक को यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। दूसरा टेक्निक रहता है कॉन्टैक्ट्स के बीच में आयनाइज्ड कण, जो आयनाइज्ड पार्टिकल हैं उनको कैसे हम सेट करें। उसके अंदर सबसे पहला दो तरीके आ जाते हैं, एक आता है रिकॉम्बिनेशन या जुड़ाव, रिकॉम्बिनेशन इंग्लिश में, जुड़ाव हिंदी में। दूसरा आ जाता है बेटा डिफ्यूज़न, ठीक है, जिसका दूसरा नाम ड्रिफ्ट, ब्लास्ट आदि, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब दो कण हैं उनको आपस में जोड़ देना। जैसे मान लो उसके अंदर O भी है और H भी है, और O और H मिलकर के H2O बन जाए यानी पानी बन जाए ना, तो ऐसा कोई सिस्टम है। R को ठंडा करने, यदि R को ठंडा करें तो आयनाइज्ड कण प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से संयुक्त तो होते हैं। जैसे आर्क आयन आर्क के नज़दीक में बारीक कण बारी रूप से आयनाइज्ड जगह से कंटेनर की दीवारों की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण पहले दीवार पर पहुँचते हैं, क्योंकि दीवार इंसुलेटिंग पदार्थ की बनी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर नहीं निकल पाते और अंदरूनी साइड ही नेगेटिव रूप से चार्ज हो जाता है। यानी कुल मिला के रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, एक नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, आपस में रिकॉम्बिनेशन होकर जुड़ गए और उनसे आयनाइजेशन है जो वो कुल मिला करके आर को बुझाने के लिए काम में हो गया, ठीक है जी। और बोला कि ये दीवार इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करती है यानी उसको दूर भगाती है भैया तू, है ना, वो क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, धनात्मक आयनों का आकर्षण करती है और इस कारण इलेक्ट्रॉन्स व आयन्स संयुक्त हो जाते हैं। यानी मान लो कि वहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन पहुँच गए लेकिन दीवार है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसने नेगेटिव को नहीं पॉजिटिव को ज़्यादा खींचना है, वो पॉजिटिव वहाँ आएंगे वहाँ नेगेटिव उसके साथ संयुक्त होते जाते हैं। तो उसके कारण भी हम क्या कर सकते हैं, आर को बुझा सकते हैं। दूसरा तरीका आता है डिफ्यूज़न, फिर तीसरा आता है उच्च दाब तरीका, फिर आ जाता है हीट चालन, फिर आ जाता है गैप की लंबाई बढ़ाने से। तो ये काफ़ी सारे तरीके आ जाते हैं, ठीक है भैया। तो मतलब कहने का कि डिफ्यूज़न कॉन्टैक्ट्स के बीच में आयनाइज्ड कणों को दूर किया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, इससे कॉन्टैक्ट्स के बीच में आयनाइज्ड कणों को दूर कर दिया जाता है और उन्हें आयनाइज्ड वाले कणों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जो बिना आयनाइज्ड कण है उनसे उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जो आयनाइज्ड कण है उनको। इलेक्ट्रॉन को भारी आयनाइज्ड कणों से
आसपास आयनाइज्ड वाली जगह से डिफ्यूज़न कर दिया जाता है। तो डिफ्यूज़न मतलब जैसे बच्चों आपने परफ्यूम लगाया, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ डिफ्यूज़न क्या होता है। किसी बच्चे ने परफ्यूम लगाया, वो क्लास में बैठा, तो एक कोने में बैठा है वो और पूरी क्लास में उसका जो परफ्यूम का जो स्मेल है वो आ रहा है, सबको आ रहा है ना, तो वो किसके कारण आ रहा है, वो डिफ्यूज़न के कारण आ रहा है। डिफ्यूज़न का मतलब उसने जो परफ्यूम लाया उसके जो कण हैं वो मान लो क्या है, वो मान लो आयनाइज्ड कण है। वो आयनाइज्ड कण क्या करेंगे, जो हवा के कारण है हम मान लेते हैं कि वो डीआयनाइज्ड कण है, बिना आयनाइज्ड कण है, तो वो जो परफ्यूम के कण हैं वो हवा के कणों को प्रतिस्थापित कर देंगे। हवा अलग, मतलब हवा तो अपनी जगह पे है लेकिन उन्हीं की जगह पे वो कण आ गया, वो कण आ गया, तो वो स्थिति के कारण हमारे तक जो स्मेल है वो पहुँचती है, डिफ्यूज़न के कारण पहुँचती है। फिर जो उच्च दाब तरीका, हाई प्रेशर, हम कणों को इस हिसाब से दबाएं कि उनका जो घनत्व वो बढ़ जाए, जिससे डिफ्यूज़न डीआयनाइजेशन हो जाए, जिससे भी आर्क बुझ सकती है। हीट का चालन, मतलब हीट का जो चालन है, कंडक्शन है, बढ़ाने से आर्क का टेम्परेचर कम होता है, मतलब कंडक्शन बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और रिकम्बिनेशन में मदद मिलेगी, जिससे भी आर्क बुझा सकती है, मतलब रिकम्बिनेशन करेंगे तो मतलब वही जुड़ाव करेंगे तो ना। गैप की लंबाई बढ़ाना, मतलब दो जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी गैप की लंबाई को बढ़ाएंगे तो भी हमारा जो आर्क है वो जल्दी बुझ जाएगा। आर्क बुझाने के तरीके, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो कुल मिला के तीन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला हाई रेजिस्टेंस मेथड, फिर आ जाता है लो रेजिस्टेंस और करंट जीरो मेथड, और तीसरा आ जाता है आर्टिफिशियल करंट जीरो मेथड। ये थोड़ा टॉपिक आपके लिए क्या कह रहे हैं अभी, टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा लेकिन ये थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, एक बार के लिए पढ़ लो यार, ठीक है। तो इसके अंदर टॉपिक में आपको एक डायग्राम बना लीजिए, हाई टेम्परेचर के अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर के कॉन्टैक्ट्स को उनकी जो बीच की जो दूरी उसको बढ़ा दिया जाता है इस हिसाब से, ताकि वो हाई टेम्परेचर उसको हाई रेजिस्टेंस मिले भैया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ऊपर इस हिसाब से गैप बढ़ा दिया जाता है ताकि जो आर्क बने वो ऊपर की ओर निकले और वो गैप बढ़ जाए उसका, तो वो बुझना उसका आसान हो जाए। गैप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना लेना भैया, ठीक है, पॉज करके डायग्राम बना लेना। फिर आ जाता है आर्क की लंबाई को बढ़ाना। अब इसी के अंदर आ जाता है ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड, इसी के अंदर आ जाता है। पहला है आर्क की लंबाई को बढ़ाना, यानी आर्क है जो उसकी लंबाई हम इस हिसाब से बढ़ा दें। जैसे ये तरीका आर्क की लंबाई को बढ़ाने का है, देखो यहाँ पे लंबाई कम है नीचे, उससे ऊपर और ज़्यादा है, उससे ऊपर और ज़्यादा, उससे ऊपर और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आर्क की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो आर्क है वो जल्दी बुझ जाएगी। दूसरे बाद में आता है सप्लिटिंग ऑफ आर्क, तो हम उसको तोड़ दें। कैसे तोड़ें, ये आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको समझ आ रहा होगा। ऊपर हम इस हिसाब से एक स्ट्रक्चर लगाएं, इसको बोलेंगे आर्क सप्लिटर, मतलब ये इसके अंदर डंडियाँ सी लगाई हुई, कोई बड़ी छोटी, तो ये क्या करेगी, सप्लिटर का काम करेगी। और जैसे ही आर्क आएगी, आर्क एक हिसाब से सप्लिट हो जाएगी तो उसकी लंबाई भी देखो कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक सीधी लाइन है और यहाँ पे एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तो उससे लंबाई भी बढ़ जाएगी और वो कहने का मतलब वो आर्क जल्दी बुझ जाएगी। आर्क को ठंडा करना, कूलिंग कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आयनाइजेशन हो रहा है उसको हम डीआयनाइजेशन करें, ठंडा करके, दबाव करके, कैसे भी, तो वो जल्दी आर्क बुझेगी एयर से वगैरह से, ठीक है। मतलब उसके लिए हम ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं, एयर का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल होते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह ऑयल होते हैं। फिर आ जाता है क्रॉस सेक्शन कम करके, यानी वहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन कम करके, क्रॉस सेक्शन यानी मोटे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस करेंगे, पतले कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स को आगे से नुकीला रखेंगे ताकि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम रहे। आगे हम जब सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा भाई कॉन्टैक्ट्स आगे से नुकीले क्यों हैं, नुकीले इसलिए रखते हैं क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए। फिर आ जाता है दूसरा मेथड, लो रेजिस्टेंस या करंट जीरो मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी आर्क है जो प्रोड्यूस हो रही है उस हिसाब से उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मान लो ऑयलिंग से, है ना, एयर से, तो जिससे उसका रेजिस्टेंस लो रहे, करंट जीरो रहे और जल्दी उसका, है ना,
डिफ्यूज़न हो जाए। तो उसके लिए दूसरे दोनों तरीके हमने पहले पढ़े थे, एक तो था रिकम्बिनेशन और दूसरा था डिफ्यूज़न, ये हमने पहले पढ़े हुए थे, वही है। उसके बाद में लास्ट आ जाता है हमारा नया टॉपिक है जो, वो है RRV, इसको बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो इसके अंदर आप ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना, ये वाला डायग्राम नोट करना। डायग्राम में ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है पहले वाला करंट फेज बी वाला, तो ये लूप में करंट एकदम से हाई हो रही है, फिर थोड़ा लो हो रही है, लो हो रही है, और ये आगे जा कर के प्रोग्रेसिव करंट को प्राप्त कर रही है। फिर पहला आ जाता है जी मेजर करंट लूप, और आगे जाता है प्रोग्रेसिव करंट लूप। तो मेजर करंट लूप के अंदर हमारी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिलती है भैया। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम आप भी थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, बता देता हूँ मैं भी। यहाँ पे मेजर करंट लूप में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिलती है, और उससे आगे हमारे रिकवरी वोल्टेज मिलती है, वो वोल्टेज जो उसको आर्क एक्सटेंशन को रिकवर करती है ना, बंद करती है उसको। तो ये होते हैं हमारे, ये डायग्राम पॉज करके बना लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखो आर्क को बुझाने की प्रक्रिया के दौरान इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, किसका, आर्क को बुझाने की प्रक्रिया के दौरान इसका प्रतिरोध बढ़ता है, अतः इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ता है। अब ये कह रहा है कि जब टी बराबर टी टू, यानी इस वाली स्थिति में कॉन्टैक्ट सेपरेट होना शुरू होते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट सेपरेट होना शुरू होते हैं, पर आर्क बुझ जाती है, ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट शुरू हुए वहाँ पे आर्क स्टार्ट हुई, लेकिन थोड़ा दूर चले गए तो वहाँ पे आर्क बुझ गई, तब एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांजिएंट वोल्टेज कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस आता है। जब वो आर्क बुझ जाती है तो वहाँ पे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज रहता है, जो पावर सिस्टम फ्रिक्वेंसी पर सुप्रीमोज हो जाता है। यह वोल्टेज को, मतलब यह वोल्टेज जो आर्क को फिर से रिस्ट्राइक करने के लिए, मतलब मान लो कॉन्टैक्ट वहीं पे पड़े हैं और वोल्टेज तो है ही, करंट वगैरह और DNA सारा कुछ हो पड़ा है, तो आर्क एक बार बुझ भी गई, लेकिन वो वोल्टेज क्या करेगा, रिस्ट्राइक करेगा फिर से वोल्टेज क्या वहाँ पे आर्क को बनाने के लिए, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड TRV, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये TRV। TRV क्या होता है ये आपको आएगा, ये बेटा नोट कर लेना TRV पॉज करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने डायग्राम में क्या क्या लिया है, तो हमने कोई एक फेज का, जैसे तीन फेज होते हैं है ना RYB, तो कोई एक फेज का करंट लिया है, और उस करंट जैसे वो करंट मतलब वहाँ पे कम होना शुरू होता है, तो वहाँ पे वो हमारी जो आर्क है वो बुझना स्टार्ट होती है। उसके बाद में दूसरी स्थिति है जो आगे चली जाती है, इस स्थिति के में आर्क को वापस नहीं लौटने देने के लिए ब्रेकर के कॉन्टैक्ट स्पेस को डाइलेक्ट्रिक ताकत TRV की बढ़ने की दर, TRV की जो बढ़ने की रेट है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, दैट इज TRV की बढ़ने की दर रेट ऑफ राइज RRV बोलते हैं इसको बेटा, रेट ऑफ राइज ऑफ TRV से ज़्यादा होनी चाहिए। TRV बहुत थोड़े समय के लिए, वेरी स्मॉल टाइम, 0.1 मिली सेकेंड के लिए रहता है, इसके बाद सामान्य स्थिति सामान्य सिस्टम फ्रिक्वेंसी वाला वोल्टेज स्थापित हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज, ठीक है भैया। जो अब ये रिकवरी वोल्टेज है जो ये आर्क को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, ठीक है भैया। तो ये भी डायग्राम नोट कर लेना आप, कि जो हमारा ये पॉइंट है फाइनल जीरो करंट पॉइंट, और उससे आगे हमें मिलता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के आगे हमें मिलता है रिकवरी वोल्टेज, ठीक है भैया। तो ये जो है हमारा आर्क के अक्रॉस वोल्टेज रहता है, जब आर्क दोनों मतलब कॉन्टैक्ट दूर होना शुरू होते हैं, तब ये वोल्टेज एकदम से नेगेटिव होकर के जीरो आता है,
फिर एकदम से बढ़कर के रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को प्राप्त होता है और फिर रियर रिकवरी वोल्टेज को प्राप्त होता है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज मैंने जो टॉपिक करवाया ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, कम समझ आएगा। इससे अगले जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एयर सर्किट ब्रेकर, ये भी आपका टॉपिक है। देखो कोई भी, एक बार बता देता हूँ इसके बारे में, जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है, जैसे मान लो आपको ये सर्किट ब्रेकर आ गया, ये कम से कम 5 से 6 नंबर का आएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी नहीं है, एयर सर्किट ब्रेकर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका डायग्राम है। ये इसका देखो बेसिक डायग्राम है जब कॉन्टैक्ट बंद है, और ये वो डायग्राम है जब कॉन्टैक्ट ओपन हुए। नॉर्मली कॉन्टैक्ट जब बंद है तो ये है नॉर्मल कंडीशन, जब कोई करंट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल करंट जा रही है, तो ये कॉन्टैक्ट ऐसे रहेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन आई, करंट एकदम से बढ़ गई भैया, जिसको बोलेंगे फॉल्ट करंट आ गई, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो आग जलेगी। आग को बुझाने के लिए यहाँ पे एयर, मतलब आग को बुझाने के लिए कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे इसने आर्क सेपरेटर प्रयोग किए, ऊपर हमने पढ़े थे ना, तो ये आर्क सेपरेटर आग को बुझाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा हमने ये जो बैंड से लगाए हुए हैं दोनों साइड, ये क्या करेंगे, ये लेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आगे पीछे पढ़ी ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझ आएंगी, और वहाँ पे थोड़ा वो था। अब ये देखो, ये भी हमने क्या किया, इसको गोलाई शेप दिया, देखो ये शेप ऐसे गोल गोल से दिया ना, डी शेप सी बना रखी है दोनों साइड, ये पी शेप है, डी शेप है ना, तो ये इसलिए बनाए ताकि क्रॉस सेक्शन कम रहे। ऐसे चपटे बना देंगे तो चपटे क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे आर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ये अगर आपने समझ लिया तो यहीं से आपकी बेसिक थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक थ्योरी आपको अलग से, जैसे ये इतनी सारी थ्योरी है आप पढ़ करके जाओगे, मान लो आधी भूल गए, अभी याद नहीं रही, तो वहाँ पे लिख नहीं सकोगे। लेकिन अगर आपने इसका बेसिक फंडा समझ लिया तो वहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हो। एक बात याद रखना बेटा, डायग्राम जब भी याद करो तो डायग्राम के हर एक पार्ट को भी याद करो कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था। बस आपका यही, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया और ये सारे नाम वाम बढ़िया से लिख दिए, 100% कह रहा हूँ, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर तो वो एग्जामिनर देके जाएगा, आपने चाहे थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखा, ये मेरी आपको गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। और उसके अंदर आपने मान लो 2-4 लाइनें थ्योरी की लिख दी और 1-2 लिख दिया इसका उपयोग हो गया, तो फिर तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कोशिश करूँगा, नेक्स्ट क्लास जल्दी प्रोवाइड कराऊँ आपको, तो उसके बाद में ये एयर सर्किट ब्रेकर है जो, और उसके बाद में जो आपके जितने भी सर्किट ब्रेकर बचे हुए हैं वो सारे कराऊँगा। और बच्चों इसके जो नोट्स हैं वो आपको आपके होम टाउन में अवेलेबल कराऊँगा, और मैंने वहाँ पे बुक्स भेज दिए हैं फोटोकॉपी शॉप कर, आपको जल्द उसका नाम वाम सब चीज़ें बता देंगे, और वहाँ पे जाकर आप अपनी कॉपी फोटोकॉपी प्राप्त कर लेना, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपको पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे उनको बोलेंगे कम से कम चार्ज करवाएं, वो 1 रुपया कॉपी या कोई इतना इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत आपका थैंक्स है।